तो भाई लोग आज की वीडियो में बात हम करने वाले हैं एक सेटअप के बारे में जिसमें कि हमारे पास रहेगा पॉप बेस, जो कि यहाँ पर स्पीकर इसमें अलग रहेगा लेकिन कैबिनेट जो है वो पॉप के रहेगा और यहाँ पर 8 बेस रहेंगे। तो यहाँ पर पॉप के 8 बेस रहेंगे और 4 डुअल टॉप रहेंगे। 4 डुअल टॉप में यहाँ पर इसमें वोल्टेज जो रहेगा वो रहेगा 1200 वाट प्लस HF, मतलब 600 वाट का डुअल टॉप रहेगा। और बेस यहाँ पर हमारे पास रहेगा 2000 वाट का, जो कि ATI प्रो की तरफ से रहेगा हमारे पास, जो कि एक भाई का कमेंट भी था कि ATI प्रो की तरफ से यहाँ पर 2000 वाट के 8 बेस पॉप के कैबिनेट में। और यहाँ पर आपका टॉप में वोल्टेज नहीं बताए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से वोल्टेज रखा है टॉप का 600 वाट डुअल, और यहाँ पर इसमें HF भी है। और हम बात करेंगे यहाँ पर इस सेटअप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कि हम इसका जो प्राइस है वो आपको कितना में मिल सकता है मार्केट में, और इसमें हम कौन कौन सा एम्पलीफायर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2-3 ब्रांड एम्पलीफायर बताने वाला हूँ जिससे कि आपको लेने में आसानी हो और आपके मार्केट में जो आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बिना स्किप करे आप देखिएगा वीडियो को और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बात करेंगे यहाँ पर 8 बेस के बारे में जिसमें कि हमारे पास रहेगा पॉप के कैबिनेट में, और यहाँ पर स्पीकर रहेगा ATI प्रो का PD1850, जिसमें कि आपका 2000 वाट का स्पीकर रहेगा, 18 इंच में रहेगा, और यहाँ पर इसमें 5 इंच वॉइस कॉइल में आता है स्पीकर। तो यहाँ पर एक एक स्पीकर, मतलब आपका जो स्पीकर का जो वाटेज है वो आपका 2000 वाट का बन रहा है। तो यहाँ पर 2000 वाट का 8 सिंगल बेस हो जाते हैं। और वहीं हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो मैं आपको प्राइस बताते चलूँगा, नहीं तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बेस का जो प्राइस बनने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 बेस का 1,10,000 के आसपास में आप काफ़ी अच्छे क्वालिटी में आप बना सकते हैं। 1,10,000 में काफ़ी अच्छा गुड क्वालिटी में आप यहाँ पर 4 बेस बना सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो 4 बेस रहेगा वो भी आपका 1,10,000 में बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के 8 बेस का, 8 पॉप बेस का यहाँ पर ATI प्रो स्पीकर के साथ अगर आप बनाते हैं गुड क्वालिटी कैबिनेट में, तो यहाँ पर 2,20,000 रुपये के आसपास आपका जाने वाला है प्राइस। 10,000-15,000 के आसपास कम ज़्यादा हो सकता है कैबिनेट के क्वालिटी के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 डुअल टॉप के बारे में, जिसमें कि ATI प्रो का स्पीकर रहेगा। ATI प्रो का स्पीकर रहेगा, उसमें 600 वाट का स्पीकर डला हुआ होगा, और उसका मॉडल नंबर है YX15X600। आप चाहें तो PRDO का स्पीकर डाल सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन हमने यहाँ पर स्पीकर के मामले में ATI प्रो का रखा है इस वीडियो में। तो यहाँ पर ATI प्रो का स्पीकर 600 वाट डुअल प्लस, मतलब HF भी आपका रहेगा, लगभग 100 वाट का HF आप लगा सकते हैं, और अलग से HF लगाना चाहें तो वो आप अलग से लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर टॉप में 100 वाट का HF डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। 4 इंच वॉइस कॉइल में आता है, 600 वाट RMS पावर में आता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसका प्राइस, तो मैं कंप्लीट का प्राइस बताऊँगा, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर 4 डुअल टॉप जो कि 1200 वाट का टॉप रहेगा हमारे पास, इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 के आसपास, 1,12,000 रुपये मैंने ऐड कर रखा है लिस्ट में। तो यहाँ पर 4 टॉप का 1,12,000 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है कैबिनेट के क्वालिटी के हिसाब से, और यहाँ पर सभी मार्केट में जो है अलग अलग प्राइस होते ही हैं, 500-1000 रुपये स्पीकर में भी आपको डिफरेंस पड़ ही जाता है सभी मार्केट के प्राइस के हिसाब से। सभी मार्केट के जो प्राइस है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग प्राइस होते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे अब एम्पलीफायर के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बेस और टॉप का प्राइस बता ही दिया है, और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर भी बता दिया कौन सा स्पीकर रहेगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर डुअल टॉप के बारे में, जैसे कि हमारे पास 4 टॉप रहेंगे तो इसके लिए हम एम्पलीफायर कौन सा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर एम्पलीफायर यहाँ पर चुन कर रखा है, जो कि आता है NX Audio Proton की तरफ से, जैसे कि आप जानते हैं MT सीरीज। तो यहाँ पर 4 टॉप के लिए हमने यहाँ पर MT 1200 की यूज़ किया है, जिसमें कि आपका 1200 वाट का 4 टॉप चलेंगे, 2 ओम्स के ऊपर रन होंगे। अगर आप चाहते हैं तो बेस्ट रिजल्ट के लिए 4 ओम्स के ऊपर रन करवा सकते हैं, जिसमें कि आपका जो खर्चा है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर 4 टॉप आप इस एम्पलीफायर में चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि 2 ओम्स के ऊपर काफ़ी अच्छा स्टेबल रहता है एम्पलीफायर। गर्म होगा, कोई भी एम्पलीफायर गर्म होगा, क्योंकि फुल लोड में चलेगा तो एम्पलीफायर गर्म होगा ही, लेकिन आपका जो एम्पलीफायर है वो काफ़ी अच्छा रनिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो लगभग 48,000 के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट के हिसाब से,
तो मैं आपको ओरिजिनल का प्राइस बता रहा हूँ, 48,000 में आपको एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, 1,000 या फिर 2,000। और यहाँ पर जो एम्पलीफायर का कनेक्शन रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, दो टॉप एक चैनल में चलेगा, दो टॉप दूसरे चैनल में चलेगा, कुछ इस प्रकार से आपको चलाना है। अब हम बात करेंगे बेस के ऊपर। हमारे पास है पॉप के 8 बेस जो कि 2000 वाट RMS पावर ATI प्रो के स्पीकर के साथ होने वाला है। तो इसके लिए एम्पलीफायर हमने यूज़ किया है इसमें यहाँ पर NX Audio का MT2201 जो कि है 8000 वाट का एम्पलीफायर है। 4 ओम्स के ऊपर 3600 वाट का पर चैनल आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। तो इस एम्पलीफायर में हम 4 बेस चला सकते हैं एक एम्पलीफायर में, और 4 बेस दूसरे एम्पलीफायर में। कनेक्शन सिंपल रहेगा, 2 बेस एक चैनल में, 2 बेस दूसरे चैनल में, और नीचे वाला भी 2 बेस एक चैनल में, 2 बेस दूसरे चैनल में, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर रनिंग करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको एम्पलीफायर भी बताऊंगा कि आप और कौन कौन से ब्रांड में जा सकते हैं, या फिर मैं आपको उसका मॉडल भी बताऊंगा कि कौन सा एम्पलीफायर आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो सके, अगर आप कम प्राइस में एम्पलीफायर लेना चाहते हैं और काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एम्पलीफायर का जो प्राइस है वो एक एम्पलीफायर का प्राइस 70,000 से 72,000 के आसपास में आपको मिलेगा। NX Audio MT2201 जो कि 8000 वाट का एम्पलीफायर है, क्लास डी एम्पलीफायर है, 1000 का डंपिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर दो एम्पलीफायर का प्राइस हो जाता है 1,40,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली। प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, 2,000-5,000 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक मिक्सर के बारे में, जिसमें कि हमारे पास 3 चैनल का मिक्सर रहेगा, आप कोई भी ले सकते हैं, स्टूडियो मास्टर, न्यूमार्क या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे। 10,000 के आसपास में आपको काफ़ी अच्छे मिक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रॉसओवर यहाँ पर आप ले सकते हैं, क्रॉसओवर का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से 11,000 या फिर 12,000 के आसपास आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर 11,000 मैंने ऐड कर लिया है। और यहाँ पर आल केबल, मतलब केबल लगभग 5,000 से 10,000। अगर आप पिकअप के लिए लेते हैं, जैसे पिकअप में अगर फ्रेम में लगाते हैं तो आपका लगभग 5-8,000 के आसपास समथिंग आप पकड़ के चलिए, 8,000 के आसपास या फिर 9,000 के आसपास में आपका जो केबल है, वायरिंग है, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केबल की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बेस जो है वो काफ़ी हैवी वोल्टेज का है। तो यहाँ पर कॉपर का वायर रहेगा, प्लस यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोटा वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर 9,000 से 10,000 के आसपास जा सकता है। और हम बात करेंगे टोटल का प्राइस, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर इसमें जनरेटर भी लेना चाहते हैं तो कितना KVA का आपको जनरेटर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए, और जनरेटर का जो प्राइस है वो कितना तक जा सकता है, तो चलिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अब हम बात कर लेंगे इसके प्राइस के ऊपर कि यहाँ पर इसका टोटल प्राइस या फिर टोटल अमाउंट कितना निकल जाता है। तो प्राइस यहाँ पर निकल जाता है 1200 वाट का 4 टॉप जो कि 1,12,000 रुपये आप ऐड कर लीजिए, 2,20,000 का आपका 8 बेस हो गया, 48,000 का आपका MT2201 हो गया, और MT2201 जो कि दो एम्पलीफायर रहेंगे 1,40,000 रुपये का हो गया, 3 चैनल का मिक्सर हो गया 10,000 का, और क्रॉसओवर हो गया आपके पास 11,000 का, और आल केबल हो गया आपका 9,000 का। टोटल प्राइस अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5,40,000 के आसपास निकल जाता है। प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, आप 5 लाख में भी तैयार कर सकते हैं या फिर 5.5 लाख भी जा सकता है। प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। फुल सेटअप लेने में 50,000 का भी डिफरेंस या फिर 30-40,000 का भी डिफरेंस जा सकता है इतने सारे सेटअप लेने में। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस बताया कि आपका प्राइस जो है कितना तक आप जा सकते हैं, या फिर आप कितना का आप बजट रखेंगे तो इस टाइप का आप सेटअप बना सकते हैं। तो 5,36,000 के आसपास, मतलब कुल मिलाकर 5,00,000 यहाँ पर 40,000 के आसपास जा रहा है, तो कुल मिलाकर के 5,50,000 का आप बजट लेकर चलें, क्योंकि उसमें आपका खर्चा भी होने वाला है, खाना पीना से लेकर के सारा चीज़। दुकान में जाएंगे तो आप यहाँ पर फ्लाइट केस वगैरह और भी बहुत सारे सामान वगैरह, माइक वगैरह या फिर जो भी है वो सारा चीज़ आपको लेना पड़ेगा, जिसमें कि आपका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। तो आप 5,50,000 रुपये का बजट लेके चलें, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा सेटअप मिल सके या फिर आप बना सकें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसमें से, मतलब 3 एम्पलीफायर हमारे पास, इसमें से अगर हम कम प्राइस के एम्पलीफायर लेना चाहें और काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर लेना चाहें तो कौन कौन से एम्पलीफायर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं MT2201 के यहाँ पर जगह पर आप ले सकते हैं साउंड स्टैंडर्ड का CA20 जो कि ब्लू कलर में आता है, वो एम्पलीफायर आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको सस्ता मिलेगा, लगभग 40-42,000 के आसपास में
हमारे मार्केट में मिल जाता है, 44,000 भी चल जाता है कभी कभी, लेकिन आपको जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा निकाल के देगा। 5400 वाट का एम्पलीफायर है, वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आप एनलैब्स X5 में भी जा सकते हैं, वो भी आपको चार टॉप काफ़ी इजी तरीके से चला लेगा। और यहाँ पर उसका जो प्राइस है वो लगभग 44,000 से 45,000 के आसपास में आपको मिल जाता है, 46,000 में भी मिल जाता है लगभग। और यही हम बात करेंगे तो यहाँ पर MT-22 के अगर आप बात करेंगे, जैसे कि आपका 70,000 के आसपास में आपको मिल रहा है एम्पलीफायर, तो यहाँ पर आप एनलैब्स का X7 ले सकते हैं, जिसमें कि आपका प्राइस काफ़ी अच्छा बच जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस लगभग 54,000 से 55,000 के आसपास है, 55 या फिर 56, मतलब 54,000 से लेकर 56,000 में एनलैब्स का X7, वो भी आपका 8,000 वाट का एम्पलीफायर है, 4 ओम्स के ऊपर उसका भी आउटपुट लगभग 36 वाट का पर चैनल आउटपुट है। तो आप यहां पर एनलैब्स का X7 में जा सकते हैं, जिसमें कि आपका एक एम्पलीफायर में लगभग 20 से 25,000 का बजट हो जाएगा, सॉरी 20 से 25 नहीं, मतलब दोनों एम्पलीफायर मिला करके आपका लगभग आप 25 या फिर 30 मान सकते हैं दोनों एम्पलीफायर में। अगर आप लेते हैं दो एम्पलीफायर, अगर आपको लेना मतलब दो एम्पलीफायर तो आपको चाहिए होगा, तो X7 अगर आप दो एम्पलीफायर लेते हैं, तो अगर आप मान लेते हैं 55 का भी अगर मिलता है, तो एक एम्पलीफायर के जगह पर आपका 15 का बजट हो जाएगा, दो एम्पलीफायर के जगह में 30,000 का बजट हो जाएगा, मतलब 30,000 आपके पास और एक्स्ट्रा बच जाएगा, 5,50,000 के अंडर में आपका जितना प्राइस निकल रहा है उतना से आपको कम पड़ जाएगा। तो आप लेना चाहते हैं तो आप उस एम्पलीफायर में जा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, आपको बता देता हूँ कि जनरेटर आपको कितना केवीए का लेना है। इसमें आप जनरेटर कम से कम 25 केवीए का यूज़ करें और काफ़ी अच्छा रिजल्ट, और लाइटिंग वगैरह अगर आपको लगाना है जैसे SRP वगैरह या फिर पार वगैरह लगाना है, तो आप 30 केवीए का जनरेटर यूज़ करें। 30 केवीए का आपको वीडियो मिल जाएगा लगभग 4 लाख से ऊपर ही जाएगा प्राइस, 4,20,000 के आसपास, और 25 केवीए का लगभग 3.5 लाख के आसपास या फिर 3,80,000 के आसपास। महिंद्रा का DG आप ले सकते हैं, या फिर ओपन जनरेटर लेते हैं तो उसका प्राइस कम पड़ता है, तो वो आप देख लेना, जिस जितना आपको जैसा पड़ता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।